श्रीलंका की तर्ज पे भारत में भी जनता संसद पे और प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा कर ले। बिल्कुल जरूरत पड़ने पर करने की जरूरत है। आप ये बताइए, हमारे पास एक बहुत आलीशान संसद थी, लेकिन आपदा के समय के बाद 20,000 करोड़ रुपए नई संसद बनाने के लिए खर्च किए गए, उसी समय जहां पर भुखमरी की इंडेक्स में लगातार हम और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर बेरोजगारी की दर यहां पर साल दर साल बढ़ती जा रही है। सरकार को केवल ये चिंता है कि हमारी पार्लियामेंट है वो और ज्यादा आलीशान कैसी बनाई जा सके। शिक्षा के ऊपर जो खर्चा है वो लगातार जा रहा है, 1% हमारे बजट का हिस्सा नहीं खर्च हो रहा शिक्षा पे, और तो और यहाँ पर भुखमरी की दर में भारत सबसे ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है किसी को कोई हिसाब नहीं है। रुपया अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी में लगातार गिरता जा रहा है। तो आज ये बात सरकार को समझा दें कि ये जनता को ये फ्री की बातों का ढकोसला देना बंद करो, और ये समझो कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं सरकार में, वो कुर्सी आपको जनता ने दी है और वो जनता उस कुर्सी को छीन लेगी आपसे। जरूरत पड़ने पर यहाँ की जनता श्रीलंका की तर्ज पर एक मिसाल कायम करेगी। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर KYS द्वारा एक सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था। इनसे जानेंगे क्या ज़रूरत है कि श्रीलंका का मामला है, भारत में इसकी क्या ज़रूरत है। आज श्रीलंका में जो जनता जिस तरीके से सड़कों पर उतरी है, जनता ने जिस तरीके से अपने द्वारा बनाए गए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का घर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का घर हो, उस पर जो अपना एक हक जताया है और अपने डिसकंटेंट को जाहिर किया है, अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को जाहिर किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बहुसंख्यक जनता हमारी दुनिया की शोषित है, परेशान है, एक्सप्लॉयटेड है, उसके राइट्स के बारे में, उसके कंसर्न्स के बारे में, उसके हकों के बारे में बहुत कुछ कहता है। श्रीलंका में हमने देखा है कि पिछले कई दशकों से वहाँ की जो सरकार है वो आपस में जो वहाँ का लोकल वहाँ के जो कॉरपोरेट हैं और जो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट हैं, उनका गठजोड़ बनाते हुए केवल और केवल जनता विरोधी नीतियाँ लाते हुए जनता के हित में काम करते हुए पिछले सालों में हमें कतई नहीं दिखी। और इसका खामियाजा ये है कि हमने श्रीलंका में देखा है पिछले कई महीनों में, कई सालों में, कि लोग लंबी लंबी कतारों में राशन के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, दवाई के लिए, राशन उन लाइनों में ही दम तोड़ने को मजबूर हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि ये जनता मजबूर हुई है कि इतनी त्राही त्राही के बाद जब सरकार, वहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने जनता को किसी भी तरीके का उनका अधिकार, किसी भी तरीके का उनका जो राइट होना चाहिए उसको देने से जब अपने हाथ खड़े कर दिए, तो वहाँ की जनता मजबूर हो गई है कि वो सरकार को ये याद दिला दे कि वो जो ताकत वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास है, वहाँ के पार्लियामेंट के पास अभी तक रही है, वो ताकत कोई ईश्वर प्रदत्त ताकत नहीं है। वो ताकत जनता ने उन्हें दी है और उस ताकत के वो लायक नहीं है, और इसलिए वो जनता वापस से ये बात जाहिर करना चाहती है कि अब वो ताकत जनता अपने हाथ में लेकर ये सुनिश्चित करेगी कि उस समाज के जो संसाधन हैं वो वहाँ की जनता में आपस में बराबरी के आधार पर बांटे जाएँ। ये नहीं कि जैसे कि अब हम जानते हैं श्रीलंका की जो एक ऊपर की 10% जनता है उसके पास लगभग 65% वहाँ के जो संसाधन है उसके ऊपर मालिकाना है, और जो सबसे शोषित जनता है उसका 4-5% संसाधनों पर भी उसका मिला जुला हक नहीं है। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि भारत जैसे देश हैं, बाकी देश हैं, उन सभी देशों में जो अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में जा रही है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जितनी भी नीतियाँ सरकारें ला रही हैं वो केवल पूंजीपतियों और कॉरपोरेटों के अच्छे दिन के लिए ला रही हैं, और जो आम जनता है वो तिल तिल करके पिस रही है। दो वक्त का खाना अरेंज कर पाना जनता के लिए दूभर हो गया है। तो इसलिए यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं, अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए, कि वहाँ पर ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में जो जनता के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि तंत्र चलता आ रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग हिस्सों में पीपल्स असेंबलीज बनाई जाएँ, जहाँ पर जो भी नियम कानून, जो भी नीति पास होती है पार्लियामेंट में, वो उन असेंबलीज में डिस्कस हो और उन असेंबलीज के मेजॉरिटी के कंसेंसस के बेसिस पर उसको पास या रिजेक्ट किया जाए पार्लियामेंट में। यानी कि जनता खुद डिसाइड करे कि वो किस तरह की नीतियां चाहती है, किस तरीके की नीतियों को रिजेक्ट करना चाहती है। ये तो श्रीलंका की बात हुई, भारत में और श्रीलंका में क्या सिमिलैरिटी देखती हैं आज? क्या भारत उस दौर से गुजर रहा है जैसे आर्थिक मंदी की बात कही जा रही है? भारत की अर्थव्यवस्था कितने खराब दौर से गुजर रही है ये हम सभी जानते हैं। आए दिन बेसिक जो फ्यूल है उसके प्राइसेस इस साल में 6-7 बार से ऊपर, जो LPG है, घर की जो गैस होती है, उसके दाम अनगिनत बार बढ़ चुके हैं, और ये हम सभी ने देखा है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो गैस के दाम हो, चाहे वो प्याज का दाम हो, चाहे
मतलब पानी तक की देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी किल्लत है कि आज भी लोग टैंकर से पानी भरने के लिए मजबूर हैं, जिसके लिए वो लाइनों में लगते हैं। तो आज बहुत खासकर आपदा के समय के बाद से ये जो सरकार है हमारे देश में उसने केवल और केवल कॉरपोरेट फ्रेंडली नीतियाँ लाकर लोगों को, अब तो देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए, फ्री की चीज़ें नहीं मिलने वाली है। जनता को जो भी मिलता है वो फ्री नहीं मिलता है, जनता अपने वेलफेयर के लिए पे करती है। ये जनता, ये जो स्कूल कॉलेज सरकारी राशन, ये जितनी भी चीज़ें सरकार कहती है कि वो अपनी जेब से दे रही है, सरकार अपनी जेब से कुछ भी नहीं देती है। सरकार यहाँ तक कि जो इलेक्शन भी कंटेस्ट करती है करोड़ों करोड़ खर्च करके, वो जनता के पैसे से इलेक्शन लड़ती है। तो आज ये बात सरकार को समझा दें कि ये जनता को ये फ्री की बातों का ढकोसला देना बंद करो, और ये समझो कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं सरकार में, वो कुर्सी आपको जनता ने दी है, और वो जनता उस कुर्सी को छीन लेगी आपसे जब तक आपके होश ठिकाने नहीं आते। आप ये समझ नहीं लेते कि आपको जनता ने बिठाया है, जनता के आप मालिक नहीं हैं। इस समाज की संपदा को जो लगातार पूंजीपतियों के हाथ में सुपुर्द की जा रही है, उसकी आपके ऊपर बपौती नहीं है। वो जनता की संपत्ति है, वो जनता की मिली जुली का मिला जुला संसाधन है, और उसके ऊपर जो हम जनता का अधिकार होना चाहिए उसको आप लगातार अपनी नीतियों में मारते रहेंगे, छीनते रहेंगे, निजीकरण करते रहेंगे बेलगाम, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो रेलवेज में निजीकरण हो, चाहे वो हेल्थ केयर में निजीकरण हो, इस सब को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमने देखा है कि आज काम के घंटे मजदूरों के, जो पहले से ही 8 से 10 घंटे काम कराया जा रहा था, उसको आपदा के समय में बेशर्मी से 12 घंटे कर दिया गया, लेबर राइट्स को पूरी तरह से कुचल दिया गया, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत के अंदर भी हालात बहुत ख़राब हैं। और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ की जनता श्रीलंका की तर्ज पर एक मिसाल कायम करेगी, और यहाँ की जो सत्ता पक्ष है, यहाँ का जो पूंजीपति वर्ग है, उसको ये समझा देगी कि समाज का जो संसाधन है वो यहाँ का मजदूर बनाता है, यहाँ का मेहनतकश मजदूर अपनी मेहनत से बनाता है, और जब तक वो उस तक नहीं पहुँचेगा तब तक ये जनता कोई मूक बधिर, मतलब मौन मूक जनता की तरह चुपचाप बैठ कर केवल सरकार का तमाशा नहीं देखेगी। तो आप क्या चाहती हैं, आप क्या श्रीलंका की तरह संसद पे, प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा कर लिया जाए? देखिए, हम यहाँ से आज की जो पब्लिक मीटिंग हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, उसके थ्रू हम ये सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए श्रीलंका की जनता को ये संदेश देना मेरा, चाहते हैं। मेरा ये सवाल है, क्या श्रीलंका की तर्ज पे भारत में भी जनता संसद पे और प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा कर ले? बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर करने की ज़रूरत है। आप ये बताइए, हमारे पास एक बहुत आलीशान संसद थी, लेकिन कोरोना के काल आपदा के समय के बाद 20,000 करोड़ रुपए नई संसद बनाने के लिए खर्च किए गए, उसी समय जहां पर भुखमरी की इंडेक्स में लगातार हम और ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर बेरोजगारी की दर यहां पर साल दर साल बढ़ती जा रही है, जहां पर ड्रॉप आउट, स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, हायर एजुकेशन तक पहुँच पाने वाले हमारे देश में युवा नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ऐसे समय में सरकार को केवल ये चिंता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ेगा, सरकार को केवल ये चिंता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो और ज़्यादा आलिशान कैसी बनाई जा सके। तो इस तरीके की जो एक ना सिर्फ तानाशाही रवैया जो सरकार का है, जनता विरोधी और गरीब जनता विरोधी रवैया है, इसको तब्दील करने के लिए आज जनता अलग अलग हिस्सों में देश के आंदोलन कर रही है, और जिस दिन उन आंदोलनों को आपने एकजुट होते हुए देखेंगे उस दिन यहाँ पर इस देश की भी जो जनता है वो केवल सरकार परिवर्तन की बात नहीं करेगी, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगी, और वो ये बात कहेगी कि अब हम केवल प्रतिनिधि तंत्र चलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जहाँ पर प्रतिनिधि के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो नीति को इन्फ्लुएंस कर सके, और नीति किसके साथ बनती है, केवल अंबानी, अडानी और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ गठजोड़ करके। तो यहाँ से हम श्रीलंका की जनता को सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इतिहास गवाह रहा है कि आप लोगों आप जनता का शोषण करेंगे और जनता लगातार केवल सहती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ये जनता तख्त बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, और समाज में जब शोषण सर से ऊपर गुजर जाता है तो ये जनता व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपनी आवाज़ उठाती है। अडानी के खिलाफ श्रीलंका में प्रोटेस्ट चल रहा है। जी, श्रीलंका में पिछले कई दशकों से, 20-22 साल से जो राजपक्षे परिवार है, राजपक्षा परिवार है, वो आपस में केवल पावर
इधर से उधर ट्रांसफर करके लोगों को बेवकूफ बनाने का और उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ की जो जनता है बेसिक कमोडिटीज के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लगते हुए उनको दम तोड़ते हुए हमने देखा है। और आज इतनी मजबूर हो गई है जनता कि आपको दवाई नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, आपको फ्यूल नहीं मिल रहा, तो वो मजबूर है अपना हक जताने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए और वहाँ के तंत्र को याद दिलाने के लिए कि आपको हमने यहाँ पर बैठाया है, आप यहाँ किसी राजशाही के तहत या ईश्वर प्रदत्त ताकत के तहत नहीं बैठे हुए हैं। ये संसाधन जिसके जरिए आप कह रहे हैं कि आप शासन चला रहे हैं, वो संसाधन हम ही तैयार करते हैं, यानी कि देश की मेहनत कश जनता तैयार करती है। और यहाँ से हम अपनी पूरी सॉलिडैरिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं श्रीलंका की जो जनता है उसके संघर्ष के प्रति, और ये कहना चाहेंगे कि श्रीलंका की जनता ने एक मिसाल कायम की है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जो दुनिया भर की मेहनत कश जनता है उसके लिए। ये बात कहते हुए कि आप हर देश में, कोई भी देश हो, वहाँ की जो सरकार है केवल और केवल अगर कॉरपोरेट फ्रेंडली नीतियाँ लाती रहेगी और वहाँ की जो जनता है उसके खिलाफ नीतियाँ बनाती रहेगी, गरीब जनता के खिलाफ नीतियाँ बनाएगी और उनको अपने अधिकारों से वंचित रखेगी, तो लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। लोग जीते जाते लोग हैं। बिहार में कहा जाता है कि आप बोतल हैं क्या? इस दुनिया के किसी भी हिस्से में जो मेहनत कश लोग हैं वो बोतल नहीं हैं। वो अपने साथ होने वाले शोषण के प्रति खराब महसूस करते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करना, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। और ये श्रीलंका की जनता ने हमें साफ कर दिया है। श्रीलंका में आज ज़रूरत है कि जब एक ऐसे मुकाम पर वहाँ का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर खड़ा है कि वापस से ताकत उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में नहीं जानी चाहिए जो केवल और केवल पार्लियामेंट में बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहने की नीतियाँ बनाते हैं। और लोगों के साथ कोई ऑप्शन ये बचता है कि वही जनता जो संघर्ष कर रही है, जो आंदोलन कर रही है, उसी जनता को शामिल करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में पीपल्स असेंबलीज बनाए जाने की ज़रूरत है। उन पीपल्स असेंबलीज में लोगों से कंसल्टेशन हो, डिस्कशन हो, जो भी नीतियां पार्लियामेंट में पास की जा रही हैं उनको अलग अलग जो जन संसद जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि पीपल्स असेंबलीज जन संसद अलग अलग इलाकों में रहेंगे, उनमें डिस्कशन हो कि आप किसी तरह की नीति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिर देश भर में उन जन संसदों के मेजॉरिटी कंसेंसस के बेसिस पे वो पार्लियामेंट में नीति पास होनी चाहिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि श्रीलंका और अडानी के साथ पावर एनर्जी पे साइन एग्रीमेंट होते ही भारत के लोग हेल्प करेंगे। भारत के लोग, सबसे पहली बात तो ये, भारत की मेहनत कश जनता श्रीलंका के मेहनत कश जनता के संघर्ष को समझती है और इसीलिए वो उनके साथ खड़ी है। दूसरी बात ये कि भारत की सरकार कोई श्रीलंका की सरकार से बहुत अलग नहीं है। भारत की सरकार वही सरकार है जिसने आपदा के समय के बाद कामगार मजदूरों के घंटे, जिनके पहले से ही ज़्यादा काम के घंटे थे, जिनके वेजेस बहुत कम थे, जिनकी दिहाड़ी बहुत कम थी, उनके काम के घंटे 14 कर दिए, उनके जो राइट्स थे, लेबर राइट्स थे, उनको और ज़्यादा कुचल दिया। बेरोजगारी की दर लगातार महीना दर महीना, दिन हफ्ता दर हफ्ता बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो छात्र हैं उनका ड्रॉप आउट रेट स्कूल में कॉलेज में बढ़ता जा रहा है, हायर एजुकेशन तक छात्र पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के ऊपर जो खर्चा है वो लगातार कटता जा रहा है, 1% हमारे बजट का हिस्सा नहीं खर्च हो रहा शिक्षा पे। और तो और यहाँ पर भुखमरी की दर में भारत सबसे ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है किसी को कोई हिसाब नहीं है। रुपया अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी में लगातार गिरता जा रहा है। बीजेपी के फॉर्मल कई मिनिस्टर्स ने कहा है कि पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, श्रीलंका का हाल बुरा है, भारत का नहीं है, मोदी जी की। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में आग लगी है लेकिन आपको केवल पड़ोसी के घर की आग दिख रही है, आपको अपने घर की आग दिखी नहीं रही है। क्यों? जिन्हें नहीं दिख रही है, जिनका कमरा फायर प्रूफ, जिनका बंगला फायर प्रूफ है। यहाँ पे जो जनता है उसके बीच में जाइए तो पता चलेगा कितनी त्राही त्राही मची हुई है, कितना रोज आए दिन आज भी हमारी जनता मजबूर है कि मैला ढोते हुए, रोज सीवर साफ करते हुए बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लोग मर जाते हैं, और किस तरीके से आज लोगों के पास बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है। तो हम जंतर मंतर से दिखा रहे थे, KYC की जो एक युवा नेता है, छात्र है, वो अपनी बात रख रही थी किस तरीके से जो हालात है श्रीलंका में, वहाँ के जो पीछे उसके पीछे जो रीज़न थे वही सेम हालात आज भारत में हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए थे और यहाँ साथ ही साथ साथ में जो है CRPF के जवान भी डिप्लॉय हैं। ये लगातार जो आवाज़ को दबाने की कोशिश है वो लगातार जारी है। देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना भी, परमिशन लेना भी एक बड़ी बात है आज के ज़माने में। पहले यहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। लगातार पुलिस वाले इनको वॉर्न कर रहे हैं कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। हम इस वक्त थे जंतर मंतर, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, जनहित आवाज़, दिल्ली।